दाई जोक्यो बुद्ध मंदिर, बुद्ध बिहार, बुद्ध टेंपल हिल जो माननीय श्री ज्ञानी जैल सिंह जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिन्हें 13 फरवरी 1983 को किया था। एक खास बात देखिए कि 13 फरवरी को किया है। 13 फरवरी यानी जो धम्म के अंदर जो दुनिया में भारत के अंदर खास तौर से जो 13 शब्द या दुनिया में जो 13 अंक को बुरा माना जाता है और कई होटलों में तो 13 नंबर का फ्लोर भी नहीं होता। आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं 13 नंबर का फ्लोर नहीं मिलेगा आपको। 13 नंबर को 13 की संख्या को बहुत बुरा मानते हैं, मगर यहाँ इसका जो उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया वो 13 फरवरी को किया, 13 तारीख को किया, क्योंकि धम्म में बुद्ध के अनुसार सारे के सारे दिन अच्छे हैं। अगर आपका मन अच्छा है और सारे के सारे दिन खराब हैं अगर आपका मन खराब है, तो यहां सारा सारा फिलॉसफी जो बुद्ध ने बताया वो मन यानी माइंड यानी कि ह्यूमन सॉफ्टवेयर और शरीर यानी कि रूप यानी कि शरीर यानी कि हार्डवेयर, इन दो चीजों के बारे में बताया है। इसलिए बुद्धिस्ट लोग डरते नहीं, उनमें कोई अंधविश्वास नहीं होता। 13 तारीख को अगर कुछ सस्ता मिलता है तो खरीद लेते हैं। भारत में तो जो बुद्धिस्ट लोग हैं और खासतौर से जो अम्बेडकराइट लोग हैं, क्योंकि अम्बेडकराइट लोग तो बहुत जबरदस्त बुद्धिस्ट हो गए बाबा साहब के आदेश के अनुसार, वो तो 13 तारीख को श्राद्धों में ऐसे टाइम में जब चीजें सस्ती मिलती हैं, बढ़िया मिलती हैं, तभी अपनी शादी ब्याह संस्कार जो भी कुछ होता है वो मनाते हैं। बड़े बुद्धिमान हो गए वो लोग, अब पैसा फालतू में खर्च नहीं करते, पैसे को बचाना सीख गए और सारा ध्यान एजुकेशन में लगाते हैं। ये अम्बेडकराइट लोग बड़े कमाल के हैं और ये बहुत लाजवाब। आप जापान का अगर पूरी दुनिया में कल्चर देखेंगे तो सारा सारा गोल्डन या सिल्वर में मिलेगा आपको। जापान वो कंट्री है जिसने धम्म का अपने जैन ट्रेडिशन के साथ में मिक्सअप किया मिलाया और बुद्ध की फिलॉसफी का इस्तेमाल करके अमेरिका जैसे कंट्री को भी घुटनों पे ला दिया। आज जापान जैसे देश का, छोटे से देश का नक्शे में ढूंढने से नहीं मिलता ग्लोब में, उसकी दुनिया के बड़े बड़े अमेरिका जैसे देश कर्जदार हैं। जापान को अगर छींक आती है तो दुनिया को छींक आ जाती है। मेहनत करने में उनका जवाब नहीं है। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण इसका बताता हूं। जापान में जब सुनामी आई थी तो वहां ये अलर्ट हुआ था कि ये एक अनडिक्लेयर्ड यानी लोगों ने आपस में किया कि हमें बिजली बचानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी बचानी चाहिए, तो उसके तहत में उन्होंने कहा कि शाम को जितने भी शॉप्स वगैरह हैं वो सब बंद कर दी जाएं। गवर्नमेंट ने नहीं कहा मगर उन्होंने अपने आप डिसाइड किया। तो एक व्यक्ति ने वहां अपने शोरूम पर अपने मॉल पर बहुत सारी लाइटें जला रखी थी। लोगों ने क्या किया, लोगों ने सामान खरीदा और उस सामान को वहीं विरोध के रूप में छोड़ के पैसे दे के चले गए। पैसा दे दिया मगर सामान नहीं लिया और अंततः लास्ट में उस दुकानदार को अपनी लाइटें बंद करनी पड़ी। ये वहां का धम्म का ही, धम्म के विरोध करने का तरीका इतना जबरदस्त है कि जिसके आगे दुनिया झुकती है और दुनिया सलाम करती है। कहते जापान में 100 से ज्यादा तरीके हैं जब आप नमस्कार कर सकते हैं या ले सकते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तरीके किसी अभिवादन के अगर हैं तो जापान में हैं। जापान से दुनिया बहुत कुछ सीखती है, भारत भी सीखता है मगर थोड़ा कम स्पीड से। मैं सुधीर दास सिंह, जापानी बुद्ध विहार, और भी जापानी बुद्ध विहार यहाँ है, ये तो एक है नमूना है, और करमवीर सिंह बौद्ध हरियाणा से, ये सीमा राज सिंह दिल्ली से, ये रवि बौद्ध, सब हम यहाँ फैमिली के रूप में अपनी बड़ी फैमिली से मिलते हुए, बौद्ध गया इंडिया बिहार। थैंक यू।